स्वागत है आपका सन्मार्ग के न्यूजरूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज फिर से आपको देश विदेश की खबरों के साथ साथ राज्य की और भागलपुर की महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराऊंगा जो कल के अखबारों की प्रमुखता से सुर्खियां बनी। सबसे पहले भागलपुर की खबरों की बात करें तो आज जिला प्रशासन की खबरों में आज DM प्रणव कुमार ने स्थानीय सेंटिस कंपाउंड में राज्य स्तरीय U17 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है, तो क्या कुछ खास इसमें है हम जानते हैं प्रवीण जी से। जी, आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित U17 राज्य स्तरीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने स्थानीय सेंटिस कंपाउंड स्टेडियम में किया। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य की 38 जिले की टीमें भाग ले रही हैं। आज 4 मैच खेले गए जिसमें खगड़िया ने कैमूर को 46 रनों से हराया, दरभंगा को शिवहर से वॉक ओवर मिल गया, भोजपुर ने जमुई को 18 रन से और नालंदा ने सारण को 4 विकेट से हराया। ये तो सुबह DM का कार्यक्रम था, फिर DM ने स्थानीय DRDA सभागार में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में जो भी योजनाएं जिले में चल रही हैं उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसमें पुरुष नसबंदी और बंध्याकरण पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाए उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाए, जो लक्ष्य नहीं पूरा करेंगे उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जी, उप विकास आयुक्त के द्वारा भी बैठक की गई जिसमें वन स्टॉप सेंटर के संचालन पर चर्चा की गई। नगर निगम में भी सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई जिसमें दैनिक मजदूरी जो थे नगर निगम कर्मियों का से बढ़ाकर 425 रुपये कर दिया गया। तो ये रही आज की मुख्य खबर भागलपुर से। वहीं ये तो भागलपुर जिला प्रशासन से मुख्य खबर थी, नगर निगम से कुछ खबरें थी। वहीं रेलवे की खबरों की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 में आज गार्डर चढ़ाने का काम किया गया है और भी कुछ खबरें राजीव पास है, जानते खबर और क्या। जी राजीव जी। हाँ अभिषेक जी, शहर से एक दो खबरें अच्छी देखने को मिली। पहला तो कि प्लेटफार्म संख्या 2, 4, 5 और 6 पर जाने के लिए यात्रियों के लिए सुविधा सुगम हुआ और मंगलवार को जो है 5 घंटे का ब्लॉक लिया गया था और नया गार्डर FOB पे चढ़ा दिया गया। अब इस पर जो रूट का परिचालन होना था इसे अन्य रेलखंडों से परिचालन किया गया ताकि यात्रियों को सुविधा ना हो। दूसरी ये खबर रही कि बहुत चर्चित हत्याकांड धूरी यादव हत्याकांड को लेकर केंद्रीय काली पूजा समिति के बरेश शाह जो अध्यक्ष थे उसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कम से कम उनके परिजनों को 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार से मांग की। जी, तो धूरी यादव प्रकरण दिनों दिन जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है पुलिस के लिए टेढ़ी-मेढ़ी साबित हो रही है। आज भी एक शिष्टमंडल उनसे SSP से मुलाकात किए हैं और उनसे मांग की है कि आरोपित की जल्द गिरफ्तारी हो और परिजनों को मुआवजा दी। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी 102वीं जयंती मनाई गई। शहर में विभिन्न जगहों पर जयंती तो मनाई गई, विधायक आवास में जयंती मनी, वहीं कांग्रेस कार्यालय में भी जयंती मनाई गई। क्या कुछ खास नहीं जानते रविंद्र जी से। जी रविंद्र जी। अभिषेक, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती मनाई गई जिसमें दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा ये जयंती मनाई गई। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर प्रवीण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में, वहीं विधायक अजीत शर्मा के आवास पर भी उनकी जयंती मनाई गई। वहां से स्कॉट गाइड के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी त्रिमूर्ति चौक तक पहुंची जहां विधायक अजीत शर्मा द्वारा उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और बच्चों के बीच उनकी जयंती पर मिठाई बांटी गई। जी, तो बच्चों के बीच इंदिरा गांधी जी की जयंती पर मिठाई बांटी गई है। वहीं अपराध की खबरों की बात करें तो इन दोनों जिले में जो बाइक चोर है उनकी पौबारा चल रही है। आए दिन आपको सुनने को मिल जाता होगा कि इस फलां इलाके से बाइक चोरी हो गई। वहीं भागलपुर में एक ही थाना क्षेत्र जो कि जोगसर थाना OP क्षेत्र है उसमें दो विभिन्न जगहों से अलग अलग जगहों से दो अलग अलग बाइक चोरी हुई है।
और कुछ आपराधिक खबरों में क्या है हम जानते हैं राजकुमार जी से। जी बिल्कुल अभिषेक, जोगसर थाना क्षेत्र से जो है आज दो बाइक चोरी हुई है। संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस जो थाना क्षेत्र में ही पड़ता है वहाँ से पहली गाड़ी चोरी हुई है। दूसरी गाड़ी जो है जहाज घाट जो आदमपुर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ से भी एक गाड़ी चोरी हुई है। दोनों गाड़ी ग्लैमर मोटरसाइकिल है और दोनों घटना सेम टाइम 11 बजे के ही चोरों ने जो है घटना को जो तय किया है समय वो 11 बजे का ही तय किया था। इस बीच जो पुलिस मौके पर पहुंची है सीसीटीवी के जरिए खोजबीन की जी कि लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि जहां जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं वो खराब पड़े हुए हैं। दोनों मामले में जो है शिकायत की गई है थाना पर, परिजन भी थाना पर गए, घंटों इंतजार करते रहे एक मामले में लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं। जी बस ये खबर है आज। जी वहीं जमुई और मुंगेर की बात करें तो जमुई में एक पूर्व नक्सली था रवि यादव जिसकी अज्ञात लोगों ने 5 अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि परिजनों ने स्थानीय थाना में 5 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं मुंगेर की खबर की बात करें तो वहां पे भी लगातार तो वहां से ये खबरें आती रहती है कि एक मिनीगन फैक्ट्री, 2 मिनीगन फैक्ट्री, 3 मिनीगन फैक्ट्री। इसी कड़ी में आज फिर 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन दोनों की खबर में क्या खास हम जानते हैं उदय जी से। जी जी अक्षर जी, ऐसा है जमुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है शुरू से, नक्सलियों की वहाँ पर हरकतें बढ़ती रहती हैं लेकिन इनमें से एक नक्सली रवि यादव जो पूर्व नक्सली था उसने अब मुख्य धारा में आने का निर्णय कर लिया था और वह चरका पत्थर क्षेत्र में थम्मन गांव में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन बीती रात उसे घर से बुलाकर कुछ लोग अपने साथ खाने पीने के लिए ले गए और वहीं देर रात उनकी सड़क पर लाकर पत्थर से चेहरे को कूच कूच कर उसकी हत्या कर दी। ललन यादव के इस 35 वर्षीय पुत्र रवि यादव की हत्या पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र आक्रोशित हो गया और लगभग 3 घंटे सड़क जाम किया। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, परिजनों ने 5 लोगों के प्रति नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जी इधर मुंगेर में आए दिन मिनीगन फैक्ट्री का उद्घाटन होना कोई नई बात नहीं रह गई है और चुनाव के समय ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। बीती रात तारापुर SDPO रमेश कुमार के नेतृत्व में वहाँ छापामारी की गई और 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। 2 अपराधियों को पकड़ा गया और इसी के साथ जी तो बिल्कुल मिनीगन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। वहीं सीमांचल क्षेत्र की खबरों की बात करें तो समेली से एक आज हृदय विदारक खबर आई, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना ये है कि समेली के जो समेली में सेंट जोसेफ स्कूल है डूबर के पास, उस स्कूल की बस दोपहर बच्चों को लेकर करीब 60-60 बच्चों को लेकर उनके घर को छोड़ने को जा रही थी। इसी बीच ट्रक जो बस चालक था उसका बस से संतुलन बिगड़ गया और बस जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज कराने के बाद कुछ बच्चों को पूर्णिया, कुछ को कटिहार रेफर किया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि इसमें साफ तौर पर जो बस ड्राइवर है उसकी लापरवाही देखी जा रही है। वहीं कटिहार के फलका से भी खबर आ रही है, फलका प्रखंड में अवैध दवा व्यवसायी की दुकान पर टीम ने छापेमारी की है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 5 घंटे गिरफ्तारी चली है और 5 लाख से अधिक कीमत की दवा जब्त की गई है। वहीं एक और खबर पूर्णिया से आई है जहाँ पर 3 माह पूर्व एक दंपत्ति का अपहरण हो गया था। इस मामले का आज पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में उस दंपत्ति के यहाँ किराए पर जो व्यक्ति रह रहा था वो हत्यारा निकला और बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर और उसे एक नदी में फेंक दिया गया। शायद वो वहाँ पे बकरी पालन के लिए उसने ज़मीन ली थी वहाँ पर किराए पर उस बुजुर्ग दंपत्ति से और ज़मीन पर वो बकरी पालन कर रहा था जिसका एग्रीमेंट बीते 10 अगस्त को ही पूरा हो रहा था और उसने पूरी वारदात को बीते 9 अगस्त को ही अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने सफल उद्घाटन किया, आरोपित को भी गिरफ्तार। वहीं अन्य खबरों की बात करें
देश विदेश की खबरों और राज्य की बड़ी खबरों की तो हम चलते हैं सपा से। जी अभिषेक जी, आज महाराष्ट्र में चल रहे मामले को लेकर सरकार का जो गठन नहीं हो पा रहा है, उस मामले में आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत बीच में आए हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा और शिवसेना की चूँकि विचारधारा एक है, इसलिए दोनों को जो है कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, दोनों के अलग होने से जो है देश का नुकसान होगा और इनका खुद का भी होगा। उधर शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, जिन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है इस बीजेपी और शिवसेना के झगड़े में। आज उनसे जब संसद में भवन में के बाहर निकल रहे थे, पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि सारा खेल शरद पवार जी कर रहे हैं और शरद पवार जी क्या बोलते हैं इसको समझने के लिए किसी को भी 100 जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो ये तो रहा महाराष्ट्र की राजनीति पे। दूसरी तरफ आज संसद में सत्र चल रहा है, संसद में SPG हटाने को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और वॉकआउट भी किया, उधर जो है कई बिल भी पास हुए। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि आज प्रदूषण दिल्ली में भी है, देश के भी में भी है, इसको लेकर एक बैठक हुई, लेकिन संसद में बहस के दौरान जब बहस हो रही थी तो मात्र 18 सांसद मौजूद थे। मतलब ये हमारे जनप्रतिनिधियों का इंटरेस्ट है कि प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर वहाँ कोई नहीं मौजूद था, सब गायब थे। उधर JNU का आंदोलन चल ही रहा है, जारी है फीस बढ़ोतरी को लेकर। आज सुपर 30 के आनंद कुमार ने एक सुझाव दिया है, उन्होंने अच्छा सुझाव है, उन्होंने कहा है कि प्रशासन मतलब सरकार और JNU के छात्र ये लोग आपस में बैठ जाएं, जो बड़े लोग हैं अमीरों के घर के जो लड़के हैं उनकी तो बढ़ाई जाए फीस, लेकिन जो बहुत सारे गरीब हैं वहाँ पर उन गरीबों की फीस जो है उस पर सरकार को सोचना चाहिए। इस बीच अभी शाम में जो है हल्का भूकंप का झटका गया है पूरे उत्तर भारत में जी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज देश के सभी राज्यों को मॉब लिंचिंग पर एक एडवाइजरी जारी की है, और बिहार में भी तो होती ही रही है, तो उसको लेकर गृह मंत्रालय ने भीड़ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार प्रशासन जो है हिंसा पर रोक लगाने के लिए जरूरी जो भी कदम हो उठाए और किसी भी तरह से किसी की मॉब लिंचिंग न होने पाए जी। उधर झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज सरजू राय को एक बड़ा फायदा मिला, सरजू राय के पक्ष में JDU खुल के आ गया है और JDU ने उनको हर हाल में हर तरह से समर्थन देने की, जमशेदपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं CM रघुवर दास के खिलाफ, तो उनके खिलाफ JDU जो है इनका समर्थन भी करेगा और इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं देगा, और समझाया जा रहा है नीतीश कुमार उनका प्रचार भी करने जाएंगे जी। उधर आज से शादियों का जो है जोर हो गया है, तो सोना चांदी जो है आज रिकॉर्ड स्तर पे जो है महंगे हो गए हैं। आज सोना प्रति 10 ग्राम 39,620 रुपया और चांदी 46,270 रुपया प्रति किलो के भाव पर बिकी। और इसी के साथ एक दिलचस्प खबर है तेलंगाना से आई है। तेलंगाना में एक बिजली विभाग के इंजीनियर ने अपने ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा के कहा लिखा है उस पर अपना नाम लिख के, और उस पर लिखा है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। तो उस इंजीनियर का जो है मतलब उस इंजीनियर ने इसको इसलिए लिखा है कि वो हाल के दिनों में तेलंगाना में बिजली की दिक्कतों को लेके लोग बहुत जनता आक्रोशित है और जगह जगह लोगों को पीट रही थी, तो उसने बाहर यही लिख दिया। तो कुल मिला के यही खबरें हैं, बाकी आपने बता ही दिया कि आज इंदिरा जी का 102वां जन्मदिन मनाया गया पूरे देश में, और इसके साथ ही बस यही है आज का जी। धन्यवाद। बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में उफान भी बाकी है। कल तक जो शिवसेना कह रही थी NDA से अपना नाता तोड़ने के बाद कह रही थी कि हम कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसी शिवसेना की तरफ से बयान आ रहा है कि शरद जी का बयान जो NCP के सुप्रीमो है उनका बयान समझना बहुत मुश्किल है, 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो राजनीति है भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल। तो आज की खबरों में बस इतना ही, कल मैं फिर आपके सामने भागलपुर और देश विदेश राज्य की अन्य खबरों को लेकर आऊँगा। धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।
सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।